अब मैं निवेदन कर रहा हूं टाइम्स नाउ से श्री गोविंद सिंह जी गुर्जर को। श्री गोविंद सिंह गुर्जर जी, आपका जन्म 11 अगस्त 1976 को शिवपुरी में हुआ। आपने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। करियर की शुरुआत अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में की, लेकिन 2007 में टोटल टीवी से जर्नलिज्म में पदार्पण किया और सन 2009 से 11 तक डीडी न्यूज़ दिल्ली में एंकरिंग की। न्यूज़ 24 2014 तक आउटपुट इंचार्ज रहे, फिर सितंबर 2014 में न्यूज़ 25 के ब्यूरो चीफ बनकर भोपाल आए। इस दौरान सरकार के कई घोटालों का खुलासा किया और मध्य प्रदेश में चैनल को सुर्खियों में रखा। परिणाम स्वरूप न्यूज़ 24 में बेहतर पत्रकारिता के आधार पर टाइम्स नाउ अंग्रेजी चैनल ने 2019 में MPCG के ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी सौंपी। पूर्व की तरह ही टाइम्स नाउ का भी पर भी आपको अपने तीखे तेवर दिखाने का अवसर मिलता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें टाइम्स नाउ के गोविंद सिंह गुर्जर का। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी और शेफाली जी। एक छोटा सा किरदार इस रंगमंच का, लेकिन ये जो सम्मान है काफ़ी बड़ा है। और सभी लोगों ने अपने क्षेत्र की बात की, मैं भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पत्रकारिता से आता हूँ तो इसी क्षेत्र से। काफ़ी चैलेंजिंग है पत्रकारिता आज के दौर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्विक्स हो चुकी है खबरें। पहले प्लान होती थी, लंबा वक्त लगता था, अब क्विकली खबरें एक एक सेकेंड में आती हैं। और हमारा और जो मंत्री नेता गणों का जो संबंध है वो काफ़ी अजीब होता है। हम लोग कई बार साथ नज़र आते हैं, लेकिन ठीक उस रेल की पटरी की तरह जो साथ चलते तो हैं कि मिलते कभी नहीं हैं। और जहां मिल जाते हैं वहीं पत्रकारिता की आत्मा मर जाती है। तो कई बार बहुत सी चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं, जीवन में बहुत कुछ करना होता है। बड़े बड़े ऐसे सवाल आपको दे दिए जाते हैं कि आपको मुख्यमंत्री को पकड़ना है विद इन आवर्स और विद इन मिनट्स, और ये सवाल करना है, वो करना होता है वो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए सबसे पहले मैं कह ही चुका हूँ, सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई हैं मेरे अनुराग जी, और इतने लोगों को सम्मानित विभूतियों को सम्मान दिया आपने, इससे बड़ा सम्मान आपके लिए भी कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू। अच्छा लग रहा है भाई हमारे अनुराग जी। और देखिए कोई कॉम्बिनेशन देखिए कि आपके बाइट देने के बाद मुझे खुद अपने चैनल पर लाइव जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।